नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी यूपीएससी करंट अफेयर्स की सीरीज में एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूं। आज हम समझेंगे एक 1300 साल पुराना स्तूप जो कि हमें खुदाई में मिला है उसके बारे में। ओडिशा में चल रहे खोंडा लाइट पत्थरों की खुदाई के दौरान बौद्ध स्तूप मिला है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने खोंडा लाइट पत्थर खनन स्थल पर मिले इस बौद्ध स्तूप को लगभग 1300 साल पुराना बताया है। राज्य सरकार के द्वारा जगन्नाथपुरी के सौंदर्यीकरण की महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए खोंडा लाइट पत्थरों की खुदाई की जा रही है। ओडिशा में 12वीं शताब्दी में बने श्री जगन्नाथ मंदिर के आसपास के सौंदर्यीकरण और जगन्नाथपुरी को विश्व धरोहर शहर में बदलने की राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना चल रही है। इस परियोजना के अंतर्गत सौंदर्यीकरण के लिए खोंडा लाइट पत्थरों का उपयोग किया जाएगा। ओडिशा के जाजपुर जिले में चल रही खोंडा लाइट पत्थरों की खुदाई यहां खुदाई के दौरान मिली प्राचीन बौद्ध स्तूप है। एएसआई के प्रारंभिक आकलन के अनुसार यह स्तूप 7वीं-8वीं शताब्दी में निर्मित लगभग 4.5 मीटर ऊंचा हो सकता है। एएसआई ने इस पुरातात्विक विरासत को पुनः प्राप्त करने, साइट की सुरक्षा करने और इसे मूल रूप से पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये प्राप्त स्तूप ललितागिरी के पास स्थित है जो एक प्रमुख बौद्ध परिसर में जिसमें सबसे बड़ी संख्या में बौद्ध स्तूप और बौद्ध मठ मौजूद हैं। ओडिशा के कटक जिले में स्थित ललितागिरी महात्मा बुद्ध से जुड़े अवशेषों के लिए काफी प्रसिद्ध है और यह स्थल बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा जिसे तांत्रिक बौद्ध धर्म भी कहा जाता है जिसके लिए प्रसिद्ध है। खोंडा लाइट रूपांतरित चट्टाने भारत में विजयवाड़ा और कटक के बीच पूर्वी घाट में पाई जाती है और कोणार्क के सूर्य मंदिर और श्री जगन्नाथ मंदिर को बनवाने में इन चट्टानों का उपयोग किया गया था। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी।